की खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ा दिया, हादसे में 11 जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा केरनपुर की घटना है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, नक्सलियों ने हमला किया है दंतेवाड़ा में, 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पिकअप वाहन को उड़ा दिया जिसमें जवान बैठे थे और 11 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, पिकअप वाहन को उड़ा दिया नक्सलियों ने और इसमें 11 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, पिकअप वाहन को उड़ा दिया नक्सलियों ने और 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने पिकअप को उड़ा दिया, बम से पिकअप को उड़ाया गया है आईडी से और इस घटना में, इस हादसे में 11 जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से। बड़ी खबर, ओम प्रकाश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड रायपुर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, 11 जवान शहीद हुए, आईडी से उड़ाया है पिकअप वाहन को, क्या अपडेट, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? देखिए, आज जो जीआरडी के जो बल थी, जो जिला पुलिस बल के जो जवान थे वो सर्चिंग पर निकले थे, इसी दौरान नक्सलियों ने उनके पिकअप वाहन को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। इसके बाद जो है वहां जी तो दरअसल ये जो हमला हुआ है ये दंतेवाड़ा के दंतेवाड़ा जिले में हुआ है और यहाँ पर जो पिकअप वाहन है वो नक्सलियों द्वारा उड़ाया गया है। इसमें 11 जवानों के शहीद होने की खबर फिलहाल हम तक आ रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर सर्चिंग जारी है और अभी फिलहाल आंकड़ा आना अभी शेष है जी। लेकिन अभी ओम प्रकाश कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल इस मामले में नहीं हुई है क्योंकि सारे जवान जो है और पुलिस के जो जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उस इलाके पे देख रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और फिलहाल कुछ ही देर में ये चीजें साफ निकल के सामने आ जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कब था और ये घटना इस मुठभेड़ में कितने नक्सली हताहत हुए हैं और कितने जवान इसमें हताहत हुए हैं। फिलहाल यदि मैं बात करूं बस्तर में नक्सल समस्या की, तो जाहिर तौर पर नक्सली काफी शांत बैठे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक कहा जाता है कि जो नक्सल जो इलाके हैं वहां पर जो बारिश से पहले नक्सली जो है सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और इस दौरान यदि उनसे पुलिस टीम की आमना सामना होता है तो ये मुठभेड़ करके वहां से भागने के फिराक में रहते हैं। तो ये जो पूरी घटना हुई है वो इसी तरह का एक हिस्सा कह सकते हैं कि नक्सली जो है बारिश से पहले किसी सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे होंगे और पुलिस ने वहां पर लगाते हुए पुलिस पर हमला किया जी। ठीक है, यानी कि ये जो जवान थे वो सर्चिंग ऑपरेशन पर थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तभी नक्सलियों से इनकी मुलाकात होती है, मुठभेड़ होती है, इसके बाद ये हमला होता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एम्बुश लगाकर पहले ही नक्सली वहां बस्तर के सड़कों पर एम्बुश लगा के बैठे होते हैं और उन्हें अगर भनक भी लगती है कि यदि पुलिस बल जो है सर्चिंग पे निकल रही है तो इस तरह से हमले को वो अंजाम देते हुए और लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर अभी ज्यादा कुछ जानकारी हम तक नहीं आई है और अभी फिलहाल ताजा ही अभी कुछ घटना इसे कहा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर अभी कुछ वक्त और लग सकता है कि पूरी डिटेल की इस मामले में क्या हुआ था, असल में नक्सली कहाँ थे और किस तरह से उन्होंने एम्बुश लगाकर वाहन को निशाना बनाया जी। ये दंतेवाड़ा के आरनपुर की घटना बताई जा रही है जहां ये हमला हुआ जी। दंतेवाड़ा का आरनपुर जो इलाका है वहां पर पुलिस पार्टी आज गई हुई थी, वहीं पर ये घटना हुई है और अभी फिलहाल इस घटना में पुलिस के जवानों को जो सूचना हम तक आ रही है वो इतनी ही है जी। ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए ओम प्रकाश।
ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए थे रायपुर से, और उन्हें हर एक महत्वपूर्ण अपडेट इंडिया वॉइस के दर्शकों से, इंडिया वॉइस से साझा किया किस तरह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और काफ़ी समय से नक्सली घटना को अंजाम देने की ये फिराक में थे, सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे जवान और तभी मुठभेड़ हो गई।